राधे राधे दोस्तों, आज हम एक ऐसी नाश्ता की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और इसे बनाना बहुत आसान है। आप इस नाश्ते को सुबह के ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों के लंच के लिए बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक कटोरी के करीब यहाँ पर मूंग दाल भिगोया हुआ लिए हैं। अब इसे क्या करेंगे, एक मिक्सी जार में डाल लेंगे। उसके बाद से देखिए, यहाँ पे एक इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, इसे भी डाल लेंगे। और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ इसे ले लेते हैं। और इसमें पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर धनिया के पत्ता या पुदीने के पत्ते भी ले सकते हैं। देखिए, इसका बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पेस्ट बना लिए हैं। पेस्ट को हम एक बॉल में निकाल लेंगे। यहाँ पर जार में लगा हुआ पेस्ट पानी डाल के ले लेंगे। तो आपको थोड़ा ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे कुछ सब्जियाँ मिक्स करेंगे। देखिए, हमने बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च लिए हैं। आप चाहे तो गाजर भी डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने इतने ही सब्जियाँ लिए हैं। अब इसे मिक्स कर देंगे। उसके बाद से इसमें डालेंगे हम बेसन, थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं यानी स्वाद के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखिए, हमने 2 चम्मच बेसन ऐड कर देना है। बेसन से बहुत ही बढ़िया इस नाश्ते में टेस्ट आएगा। तो देखिए, 2 चम्मच भर के हमने बेसन डाल देंगे और खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम लेंगे यहाँ पे इडली स्टेनर। अब इसे तेल से ग्रीस कर देंगे, देखिए इस तरह से। आप चाहें तो इसे कटोरी में भी बना सकते हैं अगर आपके पास ये इडली मेकर ना हो तो। तो यहाँ पर देखिए, खूब अच्छे से इसे अच्छे से यहाँ पे तेल फैला लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 1-1 चम्मच यहाँ पे हम बैटर को उठाएंगे और यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे। देखिए इस तरह से 1 से 1.5 चम्मच हमें डाल लेना है। इधर हमने स्टेन को पानी रख दिए हैं गर्म होने के लिए। उसके बाद से अपना नाश्ते इस तरह से रख देंगे इसमें स्टीम होने के लिए, और 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने देते हैं। 15 मिनट हो चुका है, यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से हमारा जो नाश्ता है बनके तैयार हो गया है, देख सकते हैं। अब हम गैस को कर देते हैं बंद और इसे अच्छे से ठंडा होने देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ठंडा होने के बाद से सारे निकाल लिए हैं, बहुत अच्छे से ये निकल चुका है। बहुत ही ज़्यादा ये स्पॉन्जी बनी है। आप चाहें तो इसे इसी तरह से खा सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप थोड़ा सा यहाँ पे तड़के लगा सकते हैं। तो 1 चम्मच तेल में राई जीरा डाल के चटका लेंगे। तो देखिए, 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पर मैगी मसाला, साथ ही में डालेंगे यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास टमाटर केचप या सेजवान चटनी हो तो उसे ले लीजिएगा। और इसे लो फ्लेम पर इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। उसके बाद से देखिए, इस तरह से सारे ही अपने नाश्ते को इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे इसे 2 मिनट तक हम उलट पलट के मिक्स कर लेंगे, ताकि जितने मसाले हैं इसके ऊपर नाश्ते के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो 2 मिनट पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे पका लेंगे। सिर्फ हमें थोड़ा सा कोटिंग करना है और ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्पी करना है। 2 मिनट बाद से हम अपने नाश्ते को सर्व करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चटपटी हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, आप भी ट्राई कीजिए, बच्चों के लंच में बना के दीजिए, बहुत आपके बच्चों को पसंद आएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट लाइक करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।